उलमा ने लिखा है कि एक इंसान पर, मुसलमान पर जिंदगी में एक बार दरूद शरीफ का पढ़ना फर्ज है, क्योंकि अल्लाह ने इसके अंदर हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। लिहाजा पूरी जिंदगी में कम अज कम एक बार हर मुसलमान पर जरूरी है कि वो सलात भेजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किसी मजलिस के अंदर तज़करा हो रहा हो तो मजलिस के अंदर कम अज कम एक बार अल्लाह के नबी अलैहि सलाम पर दरूद का भेजना वाजिब है, और उससे ज्यादा अगर करते हैं, यानी बार बार आपका नाम आ रहा है, बार बार आपका तज़करा आ रहा है, तो कम अज कम एक बार तो वाजिब है, उससे जायद अगर करते हैं तो ये हमारे लिए फजीलत है। और बेहतर तो यह है कि जब भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र हो, जब भी आपका इसमें गिरामी आए, तो वहां पर दरूद भेजा जाए, चाहे छोटा सा छोटा दरूद शरीफ हो। दरूद बहुत सारे हैं, बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। ऐसे मौके पर कम से कम इतना पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये छोटा सा दरूद है। चुनाचे हम किताबों में पढ़ते हैं, मजालिस में तस्करा होता है, तो उस सूरत में इतना ही पढ़ लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इतना भी पढ़ लेते हैं तो ये सवाब बराबर मिलता रहता है। इसका सवाब क्या है? खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि आपने फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मेरे ऊपर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह उसके ऊपर 10 मरतबा रहमतें नाजिल फरमाते हैं। अब हम बैठे बैठे अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक हो जाएंगे।